हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम, क्लास 10th का जो टॉपिक है। इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ कलरलेस वाइट आफ्टर कंज्यूमिंग फैट विच हैज़ सेम कंपोजिशन लाइक प्लाज्मा बट ग्रेटर अमाउंट ऑफ फैट्स, लिम्फोसाइट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। आपको इसके बारे में आगे और जानने को मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस होंगे वो होंगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड फ्रॉम टिश्यूज। इट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड्स एंड फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मतलब एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड एंड फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से फैटी एसिड और फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूड फ्रॉम टिश्यूज, मतलब जो एक तरह का फ्लूड होता है टिश्यूज में, उसको रिमूवल करने के काम आता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाइट ब्लड सेल्स WBC यानी टू एंड फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द बोन्स। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट करता है वाइट ब्लड सेल्स को टू एंड फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द बोन्स, यानी बोन्स में से। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं। लिम्फ वेसल्स की, लिम्फ इज फॉर्म इनसाइड फाइन ब्लाइंड ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज, यानी ये उसमें बनता है जिसका नाम है लिम्फ कैपिलरीज, विच अलाउस माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू इट। दूसरा पॉइंट है, लिम्फ कैपिलरीज जॉइंट टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आपस में जॉइंट होती हैं लिम्फ वेसल्स को बनाने के लिए। लिम्फ वेसल्स आर सिमिलर टू वेंस बट हैव थिनर वॉल्स एंड न्यूमरस वॉल्स। उनमें थिनर वॉल्स होती हैं और न्यूमरस वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स होते हैं। एट प्लेस लिम्फ वेसल्स बेयर स्वेलिंग कॉल्ड लिम्फ नोड्स। जहाँ पे मतलब जो उठाव होता है लिम्फ वेसल्स में वो कहलाता है लिम्फ नोड्स। फ्रेंड्स, दो टाइप के लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। पहला जो कहलाते हैं प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, उसमें आते हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो में मैचुरेशन ऑफ बैन टी सेल्स होता है और थाइमस ग्लैंड होता है। ये मतलब प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में आते हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है उसमें आता है स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी सेल्स होते हैं, मतलब बी और टी तरह के जो सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फ नोड्स में प्रोडक्शन होता है उनका। आपको 10th में बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा लिख के भी नहीं आना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।